हेलो लेट्स वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न समथिंग ट्रिकी। तो हम आरएस अग्रवाल के परसेंटेज के क्वेश्चंस करा रहे थे। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चंस करा दिए थे, 50 to 60 क्वेश्चंस, और आज हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और अगर आपने हमारे उन प्रश्नों की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, वह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे और आप उनसे बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चंस को क्विक हल करना सीख सकते हैं। तो हम आर एस अग्रवाल की किताब से क्वेश्चंस को करा रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप उन वीडियो को देखें अगर आपको अच्छी लगती हैं, और आप इससे अपने हम प्रत्येक क्वेश्चंस को एक ट्रिकी मेथड से सॉल्व करा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चंस को, कर देंगे क्वेश्चंस। 61, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है, ठीक है, तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम इन तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं, और रेशियो निकालने से हमें इनके मालूम पड़ जाता है इनके उन्होंने कितना कितना भाग है इनकी आय का, ठीक है। तो देखते हैं, आपको दिखाते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, आशा करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, 61, देखिए ए की आय का 20%, ए का मतलब गुणा, तो ए की आय का 5% है, सॉरी 5% बराबर बी की आय के 15% के बराबर है। देखिए अब इसमें हमें बट्टे अट्टे में कुछ नहीं लिखना है, सीधा परसेंटेज से परसेंटेज कट गया और 5 से ये 3 बार कट गया, ठीक है। आप कह सकते हैं इसमें ए का मान तो 3 है और बी का मान होगा यहाँ 1, ठीक है। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता है तो ऐसे देख लीजिए, ए बट्टा बी कर लीजिए इसे, तो 3 इधर रह जाएगा, 1 इसके बट्टे में, तो बी का 1 हो जाएगा और इसमें ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो ये कह रहा है उसके हिसाब से देखते हैं, बी की आय का 10% सी की आय के 20% बराबर है, तो आप इसे और लीवल कर सकते हैं, परंतु हम आपको बता दे रहे हैं, तो बी का 10% और सी का 20% के बराबर है, ठीक है। तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, तो बी का मान तो 2 हो गया और सी का मान हो गया 1, तो बी बट्टा सी ऐसे लिख सकते हैं, 2 बट्टा 1, ये 1 हो गया इसी। अब इनका रेशियो निकालेंगे, तो ए बी सी इस तरह प्रकार से लिख लीजिए, 3 1 2 1, ठीक है। अब इसके सामने ये जो इसका सी का एक पद खाली है, इसे हम पीछे वाले से भर देंगे 1, और इससे ये इससे भर देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, 2 3 6 और 2 1 2, 1 1 1। अब इसमें आपको कुछ दिया होगा, इसमें दिया है सी की आय 2000 रुपये है, अब एक यूनिट है वो 2000 के बराबर है, ठीक है। जब एक यूनिट 2000 के बराबर है तो इसमें पूछा है ए बी सी की कुल आय, तो इनकी तीनों की यूनिट जोड़ लीजिए, 1 3 एंड 9, तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तीनों की हो जाएगी 9 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 18,000, आंसर हो गया 18,000 हो गया आपका, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए, ठीक है। अब 65% उत्तीर्ण हुए तो इसका मतलब कितने फेल हो गए होंगे, 35%, ठीक है, और 420 अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण रहे, इसका मतलब 420 अनुत्तीर्ण रहे तो ये फेल वाले हैं, ठीक है। तो कुल कितने परीक्षार्थी थे, ठीक है, तो 65%, अब इसमें देखते हैं, ये देखिए आपका 62, ठीक है। अब इसकी आप 65% की फ्रैक्शन बना लीजिए, तो ये जाएगी 65/100, ये हो जाएगी 5 5 से दे देंगे, 5 1 5 5 3 15, 5 2 10, इसका मतलब ये टोटल तो हमने आपको बता दिया कि टोटल कितने हैं, 20 यूनिट हैं, और ये कितना है इसका रिजल्ट, मतलब ये हैं पास वाले, ये को पास का परसेंटेज दिया है, ठीक है, ये पास के हैं, ये टोटल छात्र हैं, ठीक,
ये कुल छात्र हैं। तो इसमें आपको क्या करना, जब 13 पास हो गए तो 20 में से जब 13 पास हो गए तो कितने फेल हुए, तो 7 फेल हुए, तो 7 यूनिट आपका हो जाएगा, ठीक है, 7 यूनिट आपका हो जाएगा 420 के बराबर, क्योंकि इन्होंने फेल की दे रखी है। देखिए इसमें क्वेश्चंस में, क्वेश्चन में उन्होंने फेल के 420 दे रखे हैं, तो एक यूनिट देखिए किसके बराबर हो रही है, 7 × 42 = 60 के बराबर, ठीक है, 7 × 42, जैसे एक यूनिट यहाँ से देखिए हमने, 7 × 42 आ गया। अब 42 आ गया तो 100 यूनिट किसके बराबर, अब 20 यूनिट किसके बराबर होगा, क्योंकि 20 कुल छात्र हैं, तो 20 यूनिट देख लिए, 60 × 20 बराबर हो गया 1200, तो 1200 कुल छात्र हो गए। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये 63 क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 720 की, 720 रुपए की आय का 65% खर्च कर जान खर्च किए जाने पर वह कितनी बचत करता है। ठीक है, ये रेलवे परीक्षा 2000 में आ रखा है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा। देखिए आप 63, उसने कह रहा है 720 रुपये की आय का, 720 रुपये की आय का 65%, ठीक है, अब 65% का अभी हमने निकाल रखा था पहले ही, तो 65% का कितना आएगा, 13/20, ठीक है, इतना खर्च कर देता है, ये खर्च कर रहा है, ठीक है, ठीक खर्च कर रहा है, इसकी टोटल तो ये है, ठीक, ये 65% की फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये बचत कितनी करता है, तो इसमें देख लीजिए 7 यूनिट बचत करता है, 7 यूनिट, अब जब 7 यूनिट ये बचत करता है, इसकी टोटल कितनी दे रखी है, इसमें इसमें टोटल दे रखी है 20, और ये 20 जो है वो आपको दे रखी है 720 के बराबर, ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कितना बचेगा आपका, 36, ठीक है, 1 यूनिट 36 के बराबर आ गया, तो 7 यूनिट किसके बराबर होगा, 7 यूनिट ये इसकी बचत है, 7 × 36, तो करिए 7 × 42, 7 × 21, 21 × 4 = 25, ये आ गया आपका 252 रुपये। आइए आपको दिखा भी देते हैं कि क्वेश्चंस का आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें देख लीजिए आप, 63 था इसका, 63 का सी है, ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, 64, इसमें देखिए 63 में गौर से देखिए, 63 तो हो गया, 64 होगा अब आपका, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है, तो 64। अब इस प्रकार की कंडीशन हम अपनी तीन संख्या मान लेते हैं, सेकंड एंड थर्ड, अब तीसरी को इसमें हमेशा 100 मानते हैं, ठीक, और 100 मान लिया तीसरी को, ठीक है, तो क्रमशः मतलब ये 120 है, ठीक है, 120% है, हो गई 120 हो गई, क्योंकि ये 20% अधिक है, और नेक्स्ट देखिए ये 50% अधिक है, तो ये हो गई 150, क्योंकि 100 से अधिक है ना, तो 100 से 120 और 150 हो गई। अब इसमें क्या कह रहा है, तो इन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो इन दो संख्याओं का अनुपात इसने पूछा है, ठीक है, इन्हीं दो को ले लीजिए, फर्स्ट सेकंड, हमने कहा आपको रेशियो निकालना है, ठीक है, तो ये 120 रेशियो 150, अब देखिए इससे कट गया, 4 3 से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 5y, तो रेशियो आपने देखा कितना आया, 4y 5, रेशियो आ गया इसका 4y 5, ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65। अब 65 में कह रहा है एक संख्या में 10% की वृद्धि करने के बाद इसमें 10% की कमी कर दी जाए, तो वह संख्या है क्या है, इसमें वह संख्या क्या है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है क्या होगा, 10% की वृद्धि कर दे, 10% की कमी कर दे, ठीक है, अपरिवर्तित रहेगी या 1% घट जाएगी,
1% बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने के लिए दो तो इसके फॉर्मूले हैं, अगर आप याद करना चाहें। एक तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बट्टा सौ, ठीक है, इसमें हमेशा आपको लॉस ही होगा, ठीक है। और एक इसका फॉर्मूला नेट फॉर्मूला होता है, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, और ये देख लीजिए, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बट्टे सौ, ठीक है। तो इसमें से आप इस फॉर्मूले को अपनाइए तो इसमें आपको मालूम पड़ेगा लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है इसमें, या लॉस से हानि हो रही है, या इसकी कमी आ रही है इसमें, या मतलब ये बढ़ रहा है, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, तो याद रखने वाली चीज़ हम नहीं करते, तो इसे हम काट देंगे अभी, तो इस पर देखते हैं। तो इससे क्या हुआ, पहले 10% का लाभ हुआ, ठीक है, प्लस का 10 आ गया, फिर 10% की आने हुई, माइनस का 10 आ गया। अब 10% एक्स, ठीक है, बट्टे में 100, अब यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, तो ये देख लीजिए, अब माइनस प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस ही रहता, ठीक है। तो इससे ये कट गया, और 10 से ये 10 कट गए, तो माइनस का 1, तो माइनस का 1% इससे कमी कमी हो गई इसकी, ठीक है, इससे लॉस हो गया, ठीक है, कमी हो गई, तो इसका आंसर हो गया ये। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है, ठीक है। अब इसमें एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 घंटे होते हैं, और एक दिन का, और हमेशा का वाली संख्या नीचे आती है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, पहले तो हम इस 4 घंटे 30 मिनट को सही कर लेंगे, क्योंकि ये मिनट में दिए है, घंटे में यूनिट दिए, तो इसे घंटे में बना ले रहे हैं, तो 4 तो घंटे हो गए, और 30 मिनट का बनवाइए, हाफ घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9/2, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से आ जाइए, तो 9/2 बट्टा 24, तो ये घंटे हैं, ठीक है, इंटू 100। अब क्या होगा कि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 1 मान लीजिए, पहले का चौथे से गुणा और दूसरे का तीसरे से गुणा, ठीक है। तो इसमें आप कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है आपके पास, 9/। अब ये आपका ये हो जाएगा 24 दूनी 48, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो इसमें देखिए, आप 3 से काट लीजिए, 3 9, 3 1 3, 18, ठीक है, इसे 18 हो गया। अब इसी का देखिए, आप 3/16 × 100 आ गया। अब इसे आप काटेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही देर लगेगी, इसलिए हमने आपको परसेंटेज से याद कराई थी, परसेंटेज की फ्रैक्शन से याद कराई थी। तो बताइए किसकी फ्रैक्शन हो रही है, 1/16, 1/16 हो रही है, 6 सही, 1/4%, ठीक है। और मल्टीप्लाई इसमें होना 3 से, ठीक है, तो 3 ऊपर हो रखा है, जब 3 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो 6 18 हो जाएगा ये, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एकदम क्विक, एकदम बहुत ही ऑर्ली भी हल कर सकते हैं आप अगर चाहें तो, इन प्रश्न को कोई परसेंटेज कोई कैलकुलेटेड चैप्टर नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इसे आप बहुत ही आसानी आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, 67, 67 में आप देख रहे हैं कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 में हैं, ठीक है। यदि 20% लड़कों तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो छात्रवृत्ति न मिलने वाले का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि पहले लड़के बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो, इन रेशियो के साथ कुछ हम मान लेते हैं, कोई जैसे एन मान लीजिए, ठीक है, 2n हो गया, ठीक। अब ये टोटल कितने हो गए, अगर टोटल बॉयज़ एंड स्टूडेंट्स देखे जाएँ तो ये स्टूडेंट्स हो गए 5n, ठीक है, 5n स्टूडेंट हो गए। अब इसमें कह रहा है कि ये 3n का, जो 3n लड़के हैं
उनमें से 20 को तो छात्रवृत्ति मिल रही है, इसका मतलब 80 को नहीं मिल रही है, ठीक है, 80 को नहीं मिल रही है, 80 को प्लस। और ये कह रहा है कि लड़कियां हैं जो, उन लड़कियों को 30% को नहीं मिल रही है, यानी मतलब मिल कितने को नहीं मिल रही है, मतलब मिल कितने को नहीं रही है, 70 को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इनका हम निकाल लेते हैं कितना होता है, तो देख लीजिए, 8 या 24, 240 एन बट्टा में 100 प्लस, और 7 दूनी 14, 140 एन बट्टा में 100 से हम कह सकते हैं हो गया 0.83 एन बट्टा 100, ठीक है। अब इतने को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, ठीक है, अब इतनों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, किस में से नहीं मिल रही है, यानी टोटल में से नहीं मिल रही है। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है 5 एन, ठीक है, तो इतने को नहीं मिल रही है, 80 एन बट्टा, अब 100 तो इसका हो ही रखा है, गुणा में 1/5 5 एन में से नहीं मिल रही है, इनटू में 100, ठीक है, क्योंकि 100 हम इसलिए लगाते हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इस 100 से तो ये देखो 100 कट गया, ठीक है, एन से ये एन कट गया, ये 5 से इसे काट दो, तो 5 7 जा 35 एंड रिमेनिंग बचा आपका 3, और ये हो गया 3, ये होगा 30, और 35 6 जा 30, ठीक है, तो 76% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है।